लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा। सोनिया बोली इसे फौरन लागू किया जाए। एसपी एनसीपी की ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग। संसद के विशेष सत्र का आज बुधवार को तीसरा दिन है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक पर डिबेट जारी है। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बिल के बारे में बताया। उसके बाद कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने 10 मिनट तक अपनी बात कही। सोनिया ने कहा कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए, सरकार को इसे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए। इससे पहले जातिगत जनगणना कराकर इस बिल में एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। सुप्रिया ने कहा कि सरकार बड़ा दिल करके बिल में एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे। वहीं एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बिल में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। सोनिया ने कहा स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून सबसे पहले मेरे पति राजीव गांधी लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उसे पास करवाया। इसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों में 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव का सपना अभी आधा अधूरा ही पूरा हुआ है। यह बिल पास होने से सपना पूरा हो जाएगा। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ये सिर्फ पीएम मोदी का बिल है, जिसका गोल उसी का नाम आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी ये बिल लेकर आई है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व भाजपा प्रमुख ने मुझसे टीवी पर कहा था कि सुप्रिया सुले तुम घर जाओ, खाना बनाओ, देश और कोई चला लेगा, भाजपा इस पर जवाब दे। उन्होंने कहा कि जनगणना और परिसीमन होने तक महिला आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता, फिर इसके लिए स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया, इसे विंटर सेशन में भी पास कर सकते थे। देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ रही है, इस समय सेशन बुलाने की क्या जरूरत है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।